हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, जहाँ पर आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन फायर रेड 400 आवर, जिसके अंदर हम लोग कुछ टास्क को पूरा करना होगा। जैसे कि हम लोग को अपनी टीम को फुली इवॉल्व करना होगा और अपनी टीम में एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को ऐड करना होगा, और उसके बाद हम लोग को 8 GB कलेक्ट करने के बाद एलीट फोर से बैटल करना होगा, एंड हम लोग को चैंपियन से बैटल करने के बाद हम लोग को चैंपियन बनना होगा। तो गाइस चलो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर ओक अपना लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग अपने कैरेक्टर का चूज़ कर लेते हैं जो कि बॉय रहता है, एंड इसका नाम जल्दी जल्दी दे देते हैं भाई। ओके, देन उसके बाद हम लोग को अपने राइवल का नाम देना पड़ेगा जो कि प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन है, एंड इसका तो गैरी नाम दूंगा क्योंकि यार ये गैरी दिखता है। एंड हम लोग का जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, एंड हम लोग यहाँ पर पीसी से अपना एक पोर्शन हम लोग मिलता है उसे ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ओक हम लोग को रोक देता है, एंड वो हम लोग को अपने लैब में ले जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर गैरी भी मौजूद है, एंड हम लोग को यहाँ पर 3 पोकेमॉन से 1 पोकेमॉन लेने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड हम लोग यहाँ पर स्क्वाडल को ना भाई स्क्वाडल को नहीं लेने वाला, बिकॉज ये एक अच्छा पोकेमॉन रहता, एंड बल्बासोर भी एक अच्छा स्टार्टर है, बट हम लोग नहीं लेंगे यार, हम लोग लेंगे अपना चार्मेंडर को। वैसे यार तुम लोग फायर रेड को खेलेगे यार, चार्मेंडर के साथ नहीं खेले तो यार क्या ही मजा भाई, चार्मेंडर एक अलग ही लेवल का पोकेमॉन है। उसके बाद हम लोग गैरी के साथ एक बैटल करते हैं, एंड ये स्क्वाडल को लिया। मेरे को पता था यार हम लोग को डिफीट करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, एंड स्क्रैच। ओके ओके गाइस, ये यहाँ पर अभी फेंट हो जाएगा। ओके ओके, हम लोग स्क्रैच से यार इसको डिफीट कर दिए गाइस, और चार्मिनर लेवल 6 का, एंड सही है, और हम लोग इसको डिफीट कर दिए। एंड इसके बाद हम लोग को जाना शायद होगा वर्डियन सिटी। ओके, हम लोग वर्डियन सिटी आ गए, जहाँ पर हम लोग को ये मार्क से लेना पड़ता है पार्सल। उसके बाद पैलेटन पहुंच जाते हैं, एंड प्रोफेसर के लैब में जाते हैं, एंड प्रोफेसर को पार्सल को डिलीवर कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर गैरी भी आ जाता है, एंड हम लोग को यहाँ पर पोकी डेस्ट मिल जाता है, एंड उसके बाद हम लोग को 5 पोकेमॉन मिलता है जिससे हम लोग अपने पोकेमॉन भी कैप्चर कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने जाते हैं, जहाँ पर वर्डियन सिटी में हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ पर मार्ट में कुछ पोकीबॉल्स या पोशन वगैरह भी खरीद लेते हैं। ओके, मेरे पास पोकीबॉल तो है, पोशन हाँ सही है भाई, पोशन ले लिया। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर हम लोग को जाने के बाद आगे एक जंगल मिलने वाला है। तो ये अंकल यहाँ पर हम लोग को पोकेमॉन कैच करना सिखाया, एंड उसके बाद हम लोग वरिडियन फॉरेस्ट पहुँच गए, और यहाँ पर हम लोग खोज रहे थे भाई कुछ पोकेमॉन अच्छा कैच करने के लिए। तो भाई हम लोग यहाँ पर एक पोकेमॉन खोजते हैं, और यहाँ पर तो हम लोग को कैटर भी मिला, एंड गाइस यहाँ पर हम लोग एक पिकाचू मिल चुका है, एंड ये सही पोकेमॉन था यार, यहाँ पर तुम लोग को पिकाचू मिल सकता है, तो यार इसको कैप्चर कर लेना, क्योंकि यार सेकेंड जिम बैच बैटल के लिए तुम लोग को यार ये काफ़ी मददगार होगा यार पिकाचू, वैसे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट पोकेमॉन है हम लोग का पिकाचू। वैसे हम लोग पिकाचू को इवॉल्व भी कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर एक पोकेबॉल पड़ा हुआ है, वीडल यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे हैं, पोकेबॉल में पोशन मिल गया। ओके, पिकाचू काफ़ी सारा यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद हम लोग आगे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम लोग पीटर सिटी पहुंच जाते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग उनको हील करवा लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, एंड हम लोग अपने जिम को चैलेंज करने जाएंगे। वैसे हमारा पोकेमॉन भी काफ़ी सही यार लेवल अप हो चुका है, एंड मे बी यार हम लोग डिफीट कर पाए ब्रोक को, क्योंकि यार वो एक रॉक एंड ग्राउंड है पोकेमॉन का जिम है, तो मे बी यार हम लोग का चार्मिनर वहाँ पर वीक पड़ेगा। वैसे हमारे पास दोनों ही पोकेमॉन वीक है, एंड इसका ट्रेनर से बैटल करते हैं, एंड हम लोग इस पर मेटल फ्लो यूज करेंगे। ओके ओके गाइस, काफ़ी सही डैमेज दे रहा है, एंड ये जियो रूट गया, और उसका सेकेंड पोकेमॉन सैंडस्टू, ब्रो सैंडस्टू के लिए एम्बर। ओके सही है भाई, एम्बर से थोड़ा डैमेज तो दे रहा था। ओके वेल, ये तो गया भाई, हम लोग इसको डिफीट कर दिए, एंड उसके बाद हम लोग ब्रोक के साथ बैटल करके देखते हैं यार, एंड ये हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। इसका फर्स्ट पोकेमॉन जियो रूट है, सही है यार, इसको भी हम लोग डिफीट कर देंगे चार्मिनर से, बट इसके ओनिक्स को डिफीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके वेल, ओनिक्स आ चुका है अभी। ओके ओके भाई, ओके यही डर था यार, रॉक टोम यूज करता है, एंड ये हम लोग का वेल बच गया, एंड गया चार्मेंडर यार। अभी पिकाचू कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कोई अटैक ही नहीं यार, यार थंडर शॉक का तो असर ही नहीं होने वाला इस पर। ओके ओके गाइस, पिकाचू तो गया, एंड ये यस फेंट हो चुका है। अभी हम लोग यार थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सो गाइस मैं यहाँ पर अभी ना थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करूँगा, एंड अपने चार्मेंडर को इवॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वेल, हम लोग पिकाचू को डिफीट कर लिए, एंड हम लोग का चार्मेंडर लेवल 16 का हो चुका है अभी, और चार्मेंडर इवॉल्व होने लगा भाई, हम लोग का चार्मेंडर इवॉल्व होने लगा, 4 मिलियन बन चुका है। और अब ब्रोक से बैटल करते हैं, एंड इसको अब इस बार डिफीट कर देंगे भाई। वेल, इसका जियो डूड वापस आ चुका है, एंड हम लोग का 4 मिलियन थोड़ा आई भाई हट्टा कट्टा है भाई। ओके, जियो डूड गया, यस। वेल यार लास्ट टाइम यार जियो डूड एक बार में चला गया था। ओके, हम लोग को इसको ओनिक्स को डिफीट करना है, इसको डिफीट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके गाइस, ये ओनिक्स तो गया यार, ओनिक्स को हम लोगों ने डिफीट कर दिया, एंड हम लोग जीत चुके हैं अपना वॉल्डर बैज जो कि फर्स्ट जिम बैज है, और साथ ही साथ TM 39 था शायद से रॉक टूम,
वो मिल चुका है। उसके बाद हम लोग पोकेमोन को हील करवा लेते हैं एंड पोकेमोन हम लोग का हील हो चुका है। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू के लिए। एंड यहाँ पर हम लोग को प्रोफेसर का स्टूडेंट मिलता है जो कि हम लोग को रनिंग शू दे देता है। ये सही है, हम लोग अब दौड़ भी सकते हैं भाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा ट्रेन मिलता है एंड हम लोग को पिकाचू को लेवल अप करना है क्योंकि यार पिकाचू लेवल 10 का ही है एंड हम लोग का चार्मिनर लेवल 16 का हो चुका है, तो इसको ट्रेन करना पड़ेगा क्योंकि यार इसको ट्रेन करेंगे तभी यार हम लोग शैलिन सिटी का जिम लीडर मिस्टी को डिफीट कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग पिकाचू को थोड़ा ट्रेनिंग कर लिए एंड लेवल 14 का हो चुका है। एंड यहाँ पर ये एक नीडोरैन को हम लोग कैच कर चुके हैं भाई। उसके बाद हम लोग एमटी मून में आते हैं जहाँ पर हम लोग को बुलेट सीड मिलता है एक टीएम। वैसे हमारे पास तो ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं है, कोई नहीं यार। और यहाँ पर हम लोग को पैरालाइजिंग मिल चुका है एंड यहाँ पर भी काफ़ी सारे ट्रेन से बैटल करने के बाद हम लोग केव से बाहर आ जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से सैलून सिटी की ओर जाते हैं एंड हम लोग सैलून सिटी पहुँच जाते हैं एंड हम लोग को पोकेमोन हील करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग को इस सिटी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है तो हम लोग एक्सप्लोर करने लगते हैं। यहाँ पर एक पोकेमार्ट भी है और यहाँ पर बाइसाइकिल भी मिल रहा है भाई, सही है यार। और इस घर के अंदर जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं मिलता, हम लोग पोकेमोन जिम में चल जाते हैं डायरेक्टली। और ये हम लोग को कुछ नहीं बताता है यार, ये तो मेरे को पता है यार वाटर टैंक जिम है। और इसके एक ये हॉर्सी लेके आया यार, पिकाचू लेवल 16 का जल्द से जल्द हो जाए भाई, सही रहेगा। ओके वेल काफ़ी यार डैमेज एंड सेल्टर गया, हम लोग का 16 लेवल का पिकाचू हो चुका है। और हम लोग डायरेक्टली यार जिम लीडर से बैटल करते हैं एंड इसका स्टारियो और डिफिकल्ट है यार। हम लोग अपने नीडोरैन से ट्राई करते हैं इसको डिफीट करने का। नीडोरैन तो लगता नहीं यार इसको डिफीट कर पाएगा। ओके नीडोरैन फेंड हो चुका है। अभी हम लोग अपने चार्मिनर को बाहर निकालते हैं। ओके चार्मिलियन भी गया यार, सही में यार चार्मिलियन भी गया। और हम लोग का पीएचयू बच चुका है अभी थंडर सॉक। ओके सही है यार, ये स्टार हो गया। और इसका लास्ट पोके स्टार्मी। ओके गाइस ये थोड़ा डिफिकल्ट है यार क्योंकि ये अब काफ़ी पावरफुल है एंड हम लोग फेंट हो चुका है पीकाचू। वेल हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ा एंड उसके बाद हम लोग वापस से जिम लीडर से बैटल करने आ गए और इस बार हम लोग इसको डिफीट करेंगे डायरेक्टली यार पीकाचू से ही। ओके गया यार पीकाचू, स्टार्मी गया और इसका एक और स्टामी बचा है। ओके स्टारियो था वो एंड स्टामी को हम लोग डिफीट करेंगे यार। अभी यार थोड़ा सा हम लोग को ना पोशन देना पड़ेगा यार, तो हम लोग सुपर पोशन खरीद लिए थे एंड ये गया हम लोग का। वेल पिकाचू भी बाहर आ चुका है वापस से एंड कुछ नहीं, अभी चार्मिलियन को बाहर निकालना पड़ेगा। ओके बच चुका है भाई, बच गया। ओके पिकाचू भी पूरा चार्ज हो चुका है, शायद से यार इसको डिफीट कर दे। गया भाई चार्मी, स्टामी को हम लोग डिफीट कर दिया एंड हम लोग का पिकाचू भाई सुपर डुपर। हम लोग को TM03 मिल चुका है जो कि एक वाटर पल्स है ऐसे। उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करेंगे यार नीडोरैन के साथ, तो हम लोग इसको कुछ अटैक सिखा देते यार, काफ़ी वीक है यार अभी। वाटर पल्स, ओके वाटर पल्स सीख रहा है तो हम लोग सिखा दिए। उसके बाद हम लोग को गैरी मिलता है एंड गैरी के साथ हम लोग को एक एक बैटल करना पड़ता है। इस पर वाटर पल्स काफ़ी ज़्यादा, ओके पॉइजन हो चुका है, ये सही है यार। ओके पिजोटो गया एंड इसका आबरा के लिए चार्मिलियन काफ़ी रहेगा। एम्बर सही है यार, दो बार में चला गया। और स्मोक स्क्रीन नहीं सिखाना है। स्क्वाटल पिकाचू नहीं यार, हम लोग अपने नीडोरैन को बाहर बुलाते हैं। पिकाचू सही रहता है यार, पिकाचू को लिखाना चाहिए था हम लोग को। वेल ट्राई करते हैं, कुछ जाता नहीं, फेंट हो गया यार पिकाचू भी, इसको डिफीट कर दिया, ये सही है। चार्मिलियन एम्बर ओके गया। हम लोग ने गैरी को डिफीट कर दिया और हम लोग को एक क्या दे रहा है यार ये। ओके फ्रेम चेकर सही है, और फ्रेम चेकर का हम लोग क्या करेंगे यार। वैसे हम लोग बीच पर जाते हैं एंड काफ़ी सारे ट्रेन से बैटल करने के बाद हम लोग को यहाँ पर टीम रॉकेट का बंदा मिलता है एंड हम लोग यहाँ पर एक पोकेबॉल दिख रहा है यार, इसको ले लेता हूँ यार। ओके TM45 यहाँ पर ट्रैक्ट हम लोग को मिल चुका है और हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये क्लिफेरी या क्लिफा यार कोई सा पोकेमोन है। ये शायद से यहाँ पर कुछ अलग सा यार सीन यहाँ पर। ओके हम लोग यहाँ पर उस बंदे को यार यहाँ पर बुलाते हैं एंड ये आ चुका है यहाँ पर और ये हम लोग को एक SS टिकट दिया जाता है जिससे हम लोग शिप पर अंदर जा सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर रास्ता क्लीन हो जाता है एंड हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। वेल यहाँ पर टीम रॉकेट का एक बंदा दिखता है एंड इसके साथ बैटल करना पड़ता है एंड उसके बाद ये हम लोग को TM28 दे देता है जो कि डिग रहता है शायद से, यस ओके डिग रहता है एंड हम लोग इसको सिखा देते हैं अपने नीडोरैन को। वाटर पल्स हटाना सही रहेगा यार, यस हम लोग वाटर पल्स को हटा के नीडोरैन को सिखा दिए। और उसके बाद हम लोग इस टनल से आगे बढ़ते हैं जो कि अंडरग्राउंड पाथ है एंड उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं यार अगले सिटी की और जहां पर वर्मिलियन सिटी साइड से पहुंचने वाले हैं। वेल हम लोग वर्मिलियन सिटी पहुंच चुके हैं एंड हम लोग पोकेमोन को हील करवा लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस बगल के घर में जाते हैं यार चेक करने के लिए। और हम लोग को यहाँ पर एक फिशिंग ग्रू मिलता है यार जो कि हम लोग को एक ऑल रोड दे देता है एंड इसके मदद से यार हम लोग एक मैजिक आर्क को पकड़ने कोशिश करेंगे यार क्योंकि हम लोग अपने टीम में यार एक गैराडोस चाहिए यार, तो इसको ट्राई करते हैं पकड़ने का। ओ आजा भाई आजा। ओ वेल लगता है नहीं हारने वाला यार।
ओके मेरे पास लास्ट पोकेबॉल, ओके मैजिकार्प आ चुका है हम लोग को टीम में, या ब्रो सही है। और हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड ये बकवास कुछ नहीं वेल ये अभी क्या यहाँ पर कुछ करने वाला है बकवास। ओके ओके गाइस ये थोड़ा अलग सा सीन यहाँ पर है। एंड हम लोग को मिल चुका है एक बाइक वॉचर, सलून सिटी हम लोग को जाना पड़ेगा एंड बाइक लेने के लिए, तो हम लोग लेके आ चुके हैं बाइक अपने। एंड उसके बाद हम लोग इस सिटी को देख लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग केव मिलता है डिग्लेट केव, जिसके अंदर हम लोग जाते हैं यार, जहाँ पर हम लोग को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। एंड उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं बाहर। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर शिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एस एस टिकट का यूज करते हैं, और हम लोग शिप के अंदर पहुँच जाते हैं। एंड हम लोग यहाँ पर गैरी से मिलते हैं भाई। एंड गैरी साइड एक और रीमैच होता है, जहाँ पर हम लोग का पिकाचू इसको डिफीट कर देता है, और इसका सेकेंड पोकेमॉन था रेटिकैट। ओके सही है, रेटिकैट है। इस पर डबल किक मारता हूँ, ओके गया यार। ओके कैटावरा, इसने आवरा को इवॉल्व कर लिया यार। अभी एम्बर, ओके सही है। ओके वॉट होटल, अभी पिकाचू को बाहर आना चाहिए था। वेल पिकाचू आ चुका है बाहर। थंडर सोक, ओके पिकाचू फेंट हो गया, कोई नहीं यार। हम लोग का मैजिकाफ फेंट, कोई नहीं यार। हम लोग का चामिलियन ऑटोमेटिक फेंट हो चुका है। वेल चामिलियन ने कटावरा को डिफीट कर दिया एंड हम लोग गैरिक से बैठ जीत चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैप्टन के पास आते हैं, जहाँ पर कैप्टन हम लोग को टीएम कार्ड दे देता है, जो कि HM01 है। इसके वजह से हम लोग वर्मिलियन सिटी जिम को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यार वहाँ पर ट्री था तो हम लोग आगे नहीं जा सकते थे। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं, अपने पोकेमोन को हील करवाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग जिम लीडर को डिफीट करने के लिए चल जाते हैं। एंड यहाँ पर एक अंकल मिलते हैं, इसके पास पिकाचू है और इस पर स्लैम, ओ ये गया पिकाचू गया, यस। और हम लोग अपने पोकेमोन को हील करवा लेते हैं एंड हम लोग अपने नीडोरान को इवॉल्व कर लेते हैं यार नीडो किंग के अंदर, ताकि यार हम लोग जिम लीडर को डिफीट कर सके इजीली। तो हम लोग चलते हैं यार डायरेक्टली यार जिम लीडर को, वैसे तो यहाँ पर ओपन हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पर जिम लीडर से मिलते हैं। एंड ये इलेक्ट्रीफाइन जिम है, तो इसके पास फर्स्ट पोकेमोन वॉलड्रॉप, ओके डिग से तो ये चला जाएगा। वेल हम लोग का पोकेमोन काफ़ी लेवल अप हो चुका है, लेवल 25 का है। तो इसका पिकाचू सेकेंड पोकेमोन ये भी तो गया यार डिग से, ओके सही है। और इसका लास्ट पोकेमोन राइचू है, ये थोड़ा पावरफुल होने चाहिए। वेल डिग का यूज पर भी करते हैं एंड लग जाए तो सही है। ओके ये भी राइचू भी गया यार, हम लोगों ने एक ही पोकेमोन से इसके तीनों पोकेमोन को डिफीट कर दिया। एंड हम लोग को थंडर बैज मिल चुका है एंड TM34 शॉक वेव। वेल हम लोग शॉक वेव को सिखाने वाले नहीं है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। और हम लोग वापस से इस टनल से जाते हैं, जहाँ पर हम लोग को सर्जन सिटी वापस से जाना होता है। एंड उसके बाद हम लोग को आगे जाने का रास्ता हम लोग को मिलने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इधर से हम लोग को ट्री कट करना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ट्रेनर लोग से बैटल करते हैं। एंड ट्रेनर लोग से बैटल करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर पोकेमोन सेंटर है, तो हम लोग अपने पोकेमोन को हील करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग को एक केव के अंदर जाना पड़ेगा, तो शायद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग को लगने वाला है। ये तो बकवास हो गया, चलते ये। और हम लोग ट्री को कट कर लेते हैं, ओके यहाँ पर रास्ता था यार, हम लोग ट्री क्यों कट गए। ओके हम लोग रॉक टनल में पहुँच जाते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा डार्क था केव यार, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको एक्सप्लोर करने में। वेल हम लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग भी, हम लोग को पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग वेयरिंग भी कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग को एक रेफल मिल जाता है, और इस केव से हम लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग एक ट्रेनर मिलती है, इसके साथ हम लोग बैटल करते हैं। एंड इसके ओनिक्स को डिफीट करने के बाद हम लोग का मैजिक ऑफ यार इवॉल्व होने लगता है एंड हम लोग को एक गैरोडोस मिल जाता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है यार हमारी टीम के लिए। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं एक नए सिटी, जो कि एक लैवेंडर टाउन है शायद से, मेरे को लग रहा है। ओके ये घोस्ट टावर यहीं पर है बगल में भाई, अपने पोकेमोन को हील करवा लेते हैं एंड पोकेमोन हील हो जा। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर हम लोग को एक अंडरग्राउंड पाथ मिलता है। एंड उसके बाद हम लोग आगे जाना रहता है, क्योंकि यार लैवेंडर टाउन में हम लोग को टावर को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ओ क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, ओके सही है यार, हम लोग आ चुके हैं Route 7 में। एंड Route 7 में हम लोग आने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं क्लेडाउन सिटी, जहाँ पर पोकेमोन को हील करवा लेते हैं अपने पोकेमोन सेंटर में। और इसके बाद ये सिटी थोड़ा बड़ा था यार, हम लोग को एक्सप्लोर करना पड़ता है। एंड हम लोग को एक ईवी मिल चुका है, वैसे अपने टीम में तो ईवी को रखने वाले नहीं है। एंड हम लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर एक अंकल जी मिलते हैं, जो कि हम लोग को कॉइन कैश दे देते हैं। एंड इसका यूज हम लोग काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं, हम लोग पोकेमोन जिम में आ जाते हैं डायरेक्टली यार। एंड हम लोग का ये 5th जिम बैच होने वाला है, बैटल होने वाला है, तो हम लोग चामिलियन को बाहर बुला लेते हैं। वैसे चामिलियन पास एडवांटेज है। एंड यहाँ पर ट्रेन लोग से बैटल करने के बाद हम लोग डायरेक्टली जिम लीडर से बैटल करते हैं, और इसका फर्स्ट पोकेमोन विट्री वैल ये गया यार, एक ही शॉट में एक चला गया। ओके टेंगेला भी एक शॉट में चला गया, सही है। और इसका लास्ट पिंपे वैल ये बच जाएगा यार, ओके इसने पैरालाइज कर दिया।
कोई नहीं यार, ओके एक बार, ओके इसने हाइपर पोशन यूज कर लिया, कोई नहीं ये तो गया यार, हम लोग ने अब इसको डिफीट कर दिया। और चार्मेलियन फ्लेम थोअर सीख गया, इसको सिखा देते हो यार, काफ़ी पावरफुल मूव है फ्लेम थोअर। और हम लोग को अपना फिफ्थ जिम बैज मिल चुका है और गीगा ड्रेन साथ ही साथ मिल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हम लोग को कॉइन को एक्सचेंज करवा लेते हैं, और एक कॉइन हो चुका है एक्सचेंज 500, ओके 1000 आ चुका है। ओके ओके भाई, हम लोग को यहाँ पर एक पोकेमोन मिलने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर काफ़ी लोग से यार मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग को कुछ कॉइन वगैरह भी मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर सभी लोग से मिलते हैं एंड ये मिल चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गेम भी खेलते हैं एंड हम लोग को 7-7 यार मिल जाता है, उसके बाद हम लोग को काफ़ी सारा पॉइंट मिल जाता है एंड ये जल्दी जल्दी यार जल्दी पॉइंट बढ़ भाई। एंड उसके बाद भी ट्राई करते रहते हैं एंड उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला था एंड हम लोग को वापस ही मिल चुका है 7-7 पॉइंट एंड ये हम लोग को लेवल बढ़ चुका है। वैसे हम लोग को कितना अभी और थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं एंड वापस से हम लोग को मिल चुका है 7-7 भाई, अभी यार ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एंड इसके बाद हम लोग जा सकते हैं यार अपने पोकेमोन को लेने के लिए। एंड हम लोग को यहाँ पर एक डर्टिनी मिलता है भाई, तो ये सही है यार, हम लोग को एक ड्रैगनेट को चाहिए था अपने टीम में यार, सही है पोकेमोन और ड्रैगनेट एंड कैंटो का एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन। उसके बाद हम लोग को HM202 फ्लाई मिल जाता है एंड उसको हम लोग अपने पोकेमोन सिखाएंगे। वैसे हमारे पास पोकेमोन नहीं है अभी यार उसको। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं जहाँ पर एक सिटी में पहुँचते हैं, जहाँ पर यार हम लोग को टीम रॉकेट का बंदा लोग काफ़ी दिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं, वैसे ये जिम नहीं है बट यहाँ पर फाइटिंग टाइप ट्रेनिंग होता है एंड हम लोग यहाँ पर लास्ट इसके साथ बैटल करते हैं जिसके पास हिटमोन ली था एंड हम लोग अपने गायरडॉस से इसको डिफीट कर देते हैं। और उसका सेकेंड पोकेमोन हिटमोन चैन, ओके सही है यार, इसको हम लोग चार्मेलियन से डिफीट करेंगे। वेल हम लोग पिकाची को बाहर बुलाते हैं एंड ये फेंट हो चुका है एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर हिटमोन ली और हिटमोन चैन लेने का ऑप्शन मिलता है। वैसे हम लोग को हिटमैन चैन ले लेते हैं एंड हम लोग वापस से आ जाते हैं यहाँ पर क्लेडोन सिटी में एंड जहाँ पर हम लोग को इस यहाँ पर वापस से आना पड़ता है एंड यहाँ पर हम लोग को टीम रॉकेट का एक खुफिया रास्ता का दिखता है भाई। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर हम लोग टीम रॉकेट के साथ बैटल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ठंडा स्टोन यूज करके अपने पिकाचू को इवॉल्व करने लगते हैं एंड पिकाचू को रायचू में इवॉल्व कर लेते हैं। यार हम लोग ऐस नहीं यार जो कि पिकाचू को इवॉल्व नहीं करेंगे, वैसे अब रायचू थोड़ा पावरफुल हो चुका है एंड हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पर इधर से पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पर ऊपर जाते हैं, ऊपर में तो हम लोग कुछ नहीं मिलता यार, ट्रेनर लोग से बैटल कर लेते हैं। वेल हम लोग लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट का B4F फ्लोर पे चल जाते हैं एंड उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं एंड जहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर एक पोकेबॉल दिखता है उसको हम लोग ले लेते हैं, कैल्शियम मिल जाता है। एंड उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं जहाँ पर हम लोग को दो ट्रेनर मिलते हैं एंड इस लोग के साथ बैटल करना पड़ता है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यार जियोवानी से मिलते हैं और इसके साथ एक बैटल स्टार्ट होता है एंड इसका फर्स्ट पोकेमोन ऑनिक्स रहता है, थोड़ा पावरफुल था यार, गैरडोस को डिफीट कर ही देता बट इसको डिफीट कर दिए। उसके बाद हम लोग अपने नीडोकिंग को निकालते हैं एंड इसके रायहोन को यार नीडोकिंग अच्छे से पीट डालता है। और उसका थर्ड पोकेमोन कैंगस्कान के लिए रायचू काफ़ी रहेगा यार, थंडर बोल्ट, ओ वेल यार रायचू फेड हो चुका है, अभी चार्मेलियन ने इसको डिफीट कर दिया एंड हम लोग ने जीवानी को डिफीट कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सील्फ कुछ मिल जाता है। उसके बाद लेवेंडर टाउन में यार हम लोग इस टावर को एक्सप्लोर करते हैं एंड हम लोग इसके साथ बहुत सारा बैटल कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग टॉप पर पहुँचने के लिए लगते हैं भाई। यहाँ पर हम लोग को जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पोकेमोन दिखते हैं और यहाँ पर गैस्टली लोग काफ़ी सारा हाल था भाई, हम लोग यहाँ पर गैस्टली और भी भाई और भी काफ़ी सारा पोकेमोन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिख रहा है यार। वेल हम लोग को ऊपर जाना, ओके यहाँ पर कुछ अलग सा था यार मैरोवैक, ओ या ये क्या हो रहा है भाई, ओके हम लोग इसको डिफीट कर दिया एंड उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पर टीम रॉकेट का बंदा लोग यहाँ पर भी आता है यार। उसके बाद हम लोग इस अंकल से मिलते हैं एंड ये हम लोग को मैरोवैक स्प्रीड के बारे में बताता है। उसके बाद हम लोग इसके रूम में पहुँच जाते हैं एंड ये हम लोग को कुछ देने वाला है भाई, हम लोग को एक पोके फ्लूट मिल चुका है, ये सही है यार, हम लोग अपने वहाँ पर रास्ता में जो स्नोरलैक्स था उसको हम लोग उठा सकते हैं। तो हम लोग वेल यार आगे जाते हैं और ये यहाँ पर ब्रिज को हम लोग क्रॉस करते हैं एंड यहाँ पर भी ट्रेन लोग से बैटल कर लिया था मैंने पहले एंड हम लोग फ्लूट बजा के यार स्नोरलैक्स को उठाते हैं एंड स्नोरलैक्स को यार अपने टीम में यार ले लेता हूँ यार। वैसे हम लोग इसको लेवल अप नहीं करेंगे यार ज़्यादा, वेल हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, ओके पोकीबॉल से नहीं आने वाला है, ग्रेट बॉल में, ओके हम लोग को स्नोरलैक्स मिल चुका है एंड इसको देने के बाद हम लोग यहाँ पर एक फिशिंग रूम मिलता है जो कि हम लोग को सुपर रॉड मिलता है। उसके बाद चार्मेलियन इवॉल्व होने लगता है चारिज़ार्ड में भाई, अभी हम लोग इसको फ्लाई सिखा देते हैं एंड हम लोग उड़ के भी आई कोई भी सिटी में पहुँच सकते हैं। तो हम लोग का चार्मेलियन चारिज़ार्ड बन चुका है, विंग अटैक सीख रहा है तो अभी के लिए सिखा देता है, और वैसे हम लोग विंग अटैक को हटा देंगे। और हम लोग पहुंच जाते हैं एक नया सिटी में जो कि पता नहीं यार कहां पर, यहां पर सफारी जू भी है शायद, या उसके बाद हम लोग पोकेमोन को हील करवा लेते हैं एंड सफारी जू में जाते हैं भाई।
वेल हम लोग को कुछ पोकेमोन तो कैप्चर नहीं करना था, बट हम लोग इसी तरह यार सफारी जो रिक्वेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग सफारी जो को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग जिम लीडर से बैटल करने आते हैं। एंड यहाँ पर यार यहाँ पर थोड़ा पजल टाइप का था, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट था। वेल हम लोग यहाँ पर जिम लीडर के भाई अपोनेंट से बैटल कर लिए। डायरेक्टली यार हम लोग जिम लीडर से बैटल करने जाते हैं एंड इसके साथ हम लोग का बैटल स्टार्ट होता है। एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन कॉफिंग रहता है, डर्टिनी साइज इसको डिफीट कर दे। ओके ये कॉफिंग आया, अभी मक आ रहा है, मक के लिए हम लोग डर्टिनी को रहने देते हैं। नहीं यार स्विच करना पड़ेगा, नीडो किंग निकाल लेते हैं। वेल इसको डिफीट कर दिया एंड इसके बाद फिन कॉफिन आ रहा है, तो इसके लिए नीडो किंग ही सही रहेगा। ओके नीडो किंग को फेंड कर दिया, कोई नहीं यार हम लोग का डर्टिनी को वापस बुलाते हैं। ओके 43 का यार विजिंग आया यार, यहाँ पर थोड़ा थंडर बोल से इसको डिफीट करते। ओके रायचू गया, अभी चार यार्ड का यूज कर लेता है। एंड ये गया यार डर्टिनी लेवल 20 का हो चुका है। एंड हम लोग को मिल चुका है TM06 टॉक्सिक, और अब हम लोग ने यार अपना 6 जिम बैच जीत चुके हैं। उसके बाद हम लोग चार यार्ड से फ्लाई की यूज करवाते हैं। एंड वर्मिलियन सिटी नहीं यार, हम लोग को जाना है सैफ्रॉन सिटी, यहाँ पर हम लोग पोकेमोन को हील करवाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस टावर में जाते हैं जहाँ पर हम लोग को टीम रॉकेट से वापस से बैटल करना होता है। तो हम लोग यार ऊपर जाते हैं और ऊपर उसके बाद हम लोग यहाँ पर टीम रॉकेट के बंदे लोग से बैटल करते हैं। एंड सबको पीटने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। एंड उसके बाद 3 फ्लोर पे जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है एक कार्ड की, उसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर गैरी मिल जाता है, और गैरी अपना पीजोट यूज करता है। एंड ये गया ए पीजोट को, एंड नीडो किंग इसके ग्रॉलिट को डिफीट कर देगा, ये सही है। और एग्जिटोर था शायद से, ओके चार यार्ड इसको डिफीट कर दिया। ब्लास्टोइस ओके रायचू अभी सही है यार इसको डिफीट करने के लिए। ओके गया अभी अलकाजाम, तो अलकाजाम के लिए डर्टिनी ड्रैगन एयर में भी गोल हो चुका है हम लोग का डर्टिनी। वेल उसको हम लोग ने दिखा नहीं पाया, तो सही है यार हम लोग गैरी को डिफीट कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यार जियोवानी से मिलते हैं, एंड इसके साथ एक और बैटल करना पड़ता है हम लोग को थंडरबोल्ट। ओके पिकाचू यार काफ़ी ज़्यादा रायचू काफ़ी ज़्यादा घायल था। ओके नीडो क्वीन, तो किंग को बाहर बुला लेते हैं एंड डिग का इस्तेमाल। ये नीडो क्वीन गया, ओह बच गया यार। वेल ये नीडो क्वीन गया एंड कैंगस खान के लिए हम डायनर को बाहर बुलाते हैं। एंड ओके डायनर कुछ नहीं कर पाएगा। ओके गैडोस ड्रैगन रेस से यूज करके ओके गया कैंगस खान, यस हम लोग ने कैंगस खान को डिफीट कर दिया। ओके रायहोन के लिए हम लोग गैडोस को ही रेन देंगे यार, कोई नहीं गैडोस ही इसको डिफीट कर सकता है। ओके टैकल नहीं यार, गैडोस पेंट हो चुका है। अभी हम लोग निकाल लेते हैं अपने चार यार्ड को। फ्लेम थोअर कोई नहीं गया यार, रायहोन को हमने डिफीट कर दिया। एंड इसको डिफीट करने के बाद हम लोग अभी शायद से हम लोग जिम लीडर से बैटल करने जाएंगे यार, अपने पोकेमोन को हील करवा लिए। एंड हम लोग चल जाते हैं यार सैफ्रॉन सिटी जिम शायद से यहाँ पर से। ओके यहाँ पर खाली हो चुका है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे जाते हैं। एंड यहाँ पर मेरा यार सेव फाइल जो कि मैं वीडियो एडिट किया था उसको हम लोग मेरा से डिलीट हो गया था, तो हम लोग इसको डिफीट कर दिया एंड हम लोग क्लैम एंड मिल जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं यार, यहाँ पर कुछ हम लोग को नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चार्जर से फ्लाई यूज करवाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सफारी जोन वापस से, और हम लोग को वापस यार इस सफारी जू में जाना पड़ता है, क्योंकि यार यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लेना भूल चुके थे जिस जो कि हम लोग काफ़ी मदद होने वाला है, क्योंकि यार हम लोग अपने 8 जिम बैच के लिए उसको लेना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर रेफल यूज कर लेते हैं ताकि यार कोई सा पोकेमोन नहीं आए। उसके बाद हम लोग इस रास्ते से आते हैं एंड आगे जाने के बाद हम लोग इधर से पहुँचते हैं। वेल हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ता है भाई, हम लोग को एक TM को लेना है, नहीं यार HM को लेना है। एंड हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं एंड इस बंदे के पास हम लोग को HM मिल जाता है जो कि सर्फ रहता है। उसके बाद हम लोग फ्लाई यूज करते हैं एंड हम लोग पहुँच जाते हैं यार पैलेटॉन। पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्फ यूज करते हैं एंड ड्रैगन एयर सर्फ सीख जाता है, तो हम लोग उसको सिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं सिनेबारा आइलैंड। ओके सिनेबारा आइलैंड पहुँच जाते हैं एंड उसके बाद हम लोग पोकेमोन को हील करवा लेते हैं। और पोकेमोन को हील करवाने के बाद हम लोग यहाँ पर मैंसन में जाते हैं जहाँ पर हम लोग को एक की ढूंढना रहता है, एंड उसके बाद तुम लोग जिम के अंदर जा सकते हो। वेल हम लोग ने यहाँ पर जिम के अंदर चल जाते हैं एंड हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेन लोग से बैटल, एंड तुम लोग को फर्स्ट टाइम आएगा तो तुम लोग को बैटल करना पड़ता है। वैसे हम लोग ने इसके साथ बैटल कर लिया है एंड हम लोग को यहाँ पर डायरेक्टली यार जिम लीडर से बैटल करने जाते हैं। एंड इसको भी डिफीट करना थोड़ा ईजी था, हम लोग ने इसको डिफीट कर दिया एंड हम लोग को अपना 7 जिम बैच मिल जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड बाहर निकलते ही यार तुम लोग को एक बंदा मिलेगा जो कि जिसका नाम बिल रहेगा एंड तुम्हें दूसरे आइलैंड की ओर ले जाएगा। वेल हम लोग उसके बाद हम लोग यहाँ से सर्फ यूज कर फ्लाई यूज करते हैं भाई, फ्लाई यूज करके हम लोग यहाँ से जाते हैं वरिडियन सिटी, यहाँ पर हम लोग का लास्ट जिम बैच होने वाला है। ओके हम लोग पोकेमोन हील हो चुका है एंड हम लोग जिम लीडर से बैटल करने जाते हैं।
और यहाँ पर हम लोग को ट्रेन लॉक से बैटल करते हैं। वेल हम लोग लास्ट जिम बैटल से बैटल करने के बाद हम लोग टीम रॉकेट के जीवानी से बैटल करते हैं इसका रायहोन। ओके गाइस यहाँ पर लेवल काफ़ी ज़्यादा इस लोग का हाई है भाई। ठीक है बट ये यार थोड़ा अलग सा पोकेमॉन लेके आया यार हम लोग को गैराडोस ही यार इसके सभी पोकेमॉन को डिफीट कर ही देगा। कर दे भाई कर दे। ओके इसने सुपर पोशन यूज कर लिया। ओके हम लोग गैराडोस पेंट हो चुका है बट कोई नहीं ड्रेनेयर इसको डिफीट कर देगा। ओके इसका लास्ट साइज पोकेमॉन है नीडोकिंग। वेल ये भी गया एंड हम लोग को अर्थ बैच मिल चुका है एंड हम लोग को अपना 8 जिम बैच कलेक्ट कर चुके हैं एंड अर्थ को एक साथ ही साथ मिल गया। पहले हम लोग अपने पोकेमोन को हील करवाते हैं एंड उसके बाद हम लोग अपने लीग की ओर चलते हैं जहां पर हम लोग को गैरी मिल जाता है। उसके साथ बैटल करना पड़ता है पिजियोटो। ओके भाई 47 लेवल का यार इसने ट्रेनिंग करके रखा है। ओके रायहोन के लिए हम ड्रैनेयर सॉफ्ट। वैसे ड्रैनेयर को यार हम लोग को ड्रैनेयर में इवॉल्व करना पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ओके चार्जर्ड से इसका एग्जिट रोड गया और ब्लास्टोज के लिए रायचू। ओके रायचू इसको डिफीट कर दे। ओके ब्लास्टोज गया। ओके अलकाज़ाम के लिए हम लोग नीडो किंग को बाहर बुलाते हैं एंड रॉक टूम नहीं यार फेंड हो चुका है कोई नहीं। ड्रैगन एयर भी फेंड। ओहो भाई ये क्या हो रहा है यार चार्जर्ड फेंट ना हो यो बस फेंट हो चुका है चार्जर्ड भी। भाई ये क्या हो रहा है यार हम लोग सुपर पोशन रायचू को देना पड़ेगा। कोई नहीं हम लोग का स्नोलैक्स तो कुछ नहीं कर पाएगा। ओके रायचू अभी देखता हूँ इसको डिफीट कर पाता है कि नहीं। ओके रायचू ने इसको डिफीट कर दिया भाई। हम लोग फाइनली यार लीग में पहुंच जाते हैं जहां पर बोल्डर वाइज स्कैन हो जाता है। ओके यहां पर सेकंड जिम बैच थर्ड यहां पर हो जाता है थंडर बैच सही है। उसके बाद यहां पर रेनबो बैच उसका सर्फ वर्क हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड यहां पर भी हम लोग का मतलब बैच को स्कैन कर लेता है यार। यहां पर पोकेमॉन भी आता है सही है कोई नहीं। उसके बाद यहां पर हम लोग थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने की कोशिश करेंगे यार क्योंकि हम लोग का लेवल पोकेमॉन का काफ़ी कम है एंड इसके बाद वेलकैनो बैच यहाँ पर स्कैन हो जाता है और हम लोग का लास्ट अर्थ बैच यहाँ पर स्कैन हो जाता है एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर केव में जाते हैं जहाँ पर विक्ट्री रोड हम लोग को स्टार्ट हो जाता है। बट उससे पहले यार हम लोग को यहाँ पर कुछ तो लेना जाना पड़ेगा जो कि एक स्ट्रेंथ रहता है उसको लेना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर सफारी जू के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम लोग को एक तुम लोग सर्फ लेने जाएगा तो तुम्हें यार यहाँ पर एक ये मिल जाएगा क्या बोलते हैं यार टूथ यार कुछ क्या था भाई। ओके यहाँ पर गोल्ड टीथ मिल जाएगा उसे तुम यार इस घर में लेके जाओगे तो यहाँ पर तुम इस अंकल ने यार तुम लोग को दे देगा स्ट्रेंथ। उसका स्ट्रेंथ यूज़ करके हम लोग यहाँ पर रेयर कार्ड मिल जाता है एंड उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं एंड फ्लाई यूज़ करके विक्ट्री रोड पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम लोग को स्ट्रेंथ यूज़ करना पड़ता है एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ यार पोकेमॉन काफ़ी सारा आ रहा है यार फिर रिफल यूज़ करना पड़ेगा। रिफल यूज हो चुका है। ओके स्ट्रेंथ यूज कर करके यार हम लोग आगे जाते हैं। ओके हमारे पोकेमॉन ओके 546 लेवल का यार ऑनिक्स आ रहा था। ओके हम लोग का लेवल काफ़ी कम है यार हम लोग को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। ओके हम लोग स्ट्रेंथ का यूज करके यार इस वाइट वाले में डाल देते हैं एंड हम लोग का रोड यहाँ पर एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेन लोग से बैटल कर लेते हैं। यहाँ पर डबल बैटल होता है। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं एंड यहाँ पर ये मिल जाता है जो कि डबल एज सिखाता है। वेल हम लोग डबल एज सिखा लेते हैं यार थोड़ा पावरफुल मूव है तो रायचू को सिखा लेते हैं अपन लोग। ओके स्लैम सीख चुके हटा दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रूट 23 में पहुँच जाते हैं एंड हम लोग यहाँ पर फाइनली यार लीग की ओर पहुँच चुके हैं इंडिगो प्लेटो। ओके हम लोग इंडिगो प्लेटो पहुँच चुके हैं या अलग पोकेमॉन को हील करवा लेते हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने के लिए चल जाते हैं यार। हम लोग को अपने पोकेमॉन को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वैसे हमारे पास रेयर कैंडी 2 है तो इसका यूज कर लेते हैं। अपने ड्रैनेयर को थोड़ा लेवल अप करना है। ओके लेवल 48 का और 49 का नहीं करूँगा। चल भाई अपने चार्जर को कर लेता हूँ 46 का। उसके बाद हम लोग जिम इस एलिट फोर से बैटल करने जाते हैं एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन डियोगोन भाई ये थोड़ा पावरफुल था यार इसको डिफीट करना थोड़ा डिफिकल्ट था यार। हम लोग को रायचू गया ड्रैगन एयर भी मे बी यार इसको डिफीट नहीं कर पाया। ओके सही यार ड्रैगन एयर भी गया और हम लोग का नीडो किंग गया। गैराडोस थोड़ा देर तक टिक पाया भाई इसके सामने। वैसे हम लोग का लेवल काफ़ी कम था जिसकी वजह से यार ये हम लोग को डिफीट कर पाया भाई। तो हम लोग को यार काफ़ी सारा ट्रेनिंग करना पड़ेगा अपने पोकेमॉन के साथ। चार्जर्ड ऑलमोस्ट डिफीट कर देता बट ये भी गया। स्नोरलैक्स तो कुछ नहीं कर पाएगा एंड हम लोग एलिट फोर से हार चुके हैं। उसके बाद हम लोग अपने पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं। हम लोग का ड्रैनेट में बन जाता है इवॉल्व होने के बाद। उसके बाद हम लोग इसको फ्लाई सिखा देते हैं यार थोड़ा विंग अटैक हटा के एंड ड्रैगन ग्लो भी सिखा देते हैं ड्रैनेट को। ड्रैगन रेज हटा देते हैं। यस हम लोग का पोकेमॉन अभी सही यार लेवल अप हो चुका है।
एंड हाइपर बीम स्नोरलैक्स को सिखा देते हैं। स्नोरलैक्स का 49 लेवल का रेंज दिया हम लोगों ने। ओके हेडबट हटा के हम लोग सिखा दिए इसको। उसके बाद कोई ओवरहीट भी सिखा देते यार चार्जार्ड को। वैसे फायर ब्लास्ट किसी काम का नहीं है, ओवरहीट काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है। तो हम लोग एलिट फोर फर्स्ट एलिट फोर से बैटल करते हैं जहाँ पर डीगोन यूज नहीं यूज़ किया एंड हम लोग थंडर बॉल से इसको डिफीट कर। ओके फुल रिस्टोर कोई नहीं आ रही है गया। और इसका सेकेंड पोकेमॉन क्लोस्टर ये भी फेंट हो चुका है राइचू के साथ। और स्लोब्रो इसको भी हम लोग डिफीट करते हैं। ओके वेल इसको हम लोग डिफीट कर ही देते हैं। सही यार लैपरस लैपरस के लिए हम लोग को स्नोरलैक्स को बाहर निकालते हैं। वेल हाइपर मीम तो ज़्यादा कुछ नहीं डैमेज कर दे पाया। ओके कंफ्यूज हो चुका है। हम लोग निकाल लेते हैं अपने रायचू को वापस से और रायचू का बिग ब्रेक इसको डिफीट कर देता है। और इसका जिंक्स आता है यार इसको थोड़ा डिफिकल्ट था यार क्योंकि यार ये हम लोग को ना स्लीप कर देता है। उसके बाद फुल रिस्टोर इसने यूज़ कर लिया। और पिकाचू तो यार टोटली यार कंफ्यूज हो चुका है एंड ये तो फेंट हो चुका है रायचू। उसके बाद हम लोग अपने चार्जार्ड को बाहर बुलाते हैं एंड चार्जार्ड ओवर रीड यूज़ करके इसको डिफीट कर दिया। एंड हम लोग अपने फर्स्ट एलिट फोर को डिफीट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड एलिट फोर से बैटल करने जाते हैं एंड ये इसका फर्स्ट पोकेमॉन ओनिक्स है। ये वैसे ही ये शायद से रोक टाइप है, शायद से रोक या ग्राउंड टाइप बोले तो गैरडॉस ने इसको डिफीट कर दिया। नहीं यार ये तो अपना एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी लेके आ चुका है। फ्लाई यूज कर लेते हैं। ओके चार्जार्ड गया यार। वैसे हमारे पास डायनाइड भी है तो इसका फ्लाई इसको डिफीट कर दिया। ओके मैचैम्प ये भी यार इसको भी फ्लाई से हम लोग डिफीट कर देते। वेल बच चुका है स्लैम से गया। और हिटमोनली के लिए भी हम लोग फ्लाई यूज़ करेंगे। ये भी गया यार, इसको डिफीट करना थोड़ा इजी था यार। वैसे ड्रायनेट ने ही इसको ओनिक्स को भी डिफीट कर दिया। वेल हम लोग सेकेंड एलिट फोर को डिफीट कर दिया। इसका थर्ड एलिट फोर से बैटल करने जाते हैं और अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। ओके गाइस का गैंगर थोड़ा पावरफुल था। वेल हम लोग को पॉइजन कर चुका है चार्जार्ड को। ओके फ्लेम थ्रोअर काफ़ी कम डैमेज। अभी फ्लाई यूज कर लेता हूँ इस पर। ओके नहीं यार ओवर हीट। ओके कोई नहीं यार हम लोग को एक बार और यूज करना पड़ेगा फ्लेम थ्रोअर। ये गया गेंगार। ओके गोल बैट के लिए रायचू को बाहर बुलाते हैं। थंडरबोल्ट वेल ये गया। अभी उसके बाद आर्बोक आता है। इसके लिए हम लोग नीडो किंग को बाहर बुलाते हैं। अर्थक्विक इसको सिखा लिया हम लोगों ने अपन लग रहे। ओके हंटर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। हम लोग अपनी किसको निकाल लिया ड्रैगनेट को बाहर लगाते हैं। वेल ड्रैगनेट अपना ड्रैगन को यूज करके हंटर को डिफीट कर देता है एंड आर्बोक के लिए हम लोग नीडो किंग को ही रहने देंगे। और अर्थक्यू के साथ आर्बोक गया। ओके इसका गेंगार इसके पास लेवल 58 का यार। हम लोग सर्फ यूज करते हैं हाइड्रो पम्प। ओके गेंगार गया। हम लोग ने अपने थर्ड एलिट फोर को डिफीट कर दिया। उसके बाद हम लोग जाते हैं फोर्थ एलिट फोर से बैटल करने के लिए। और ये एक लैंस यार। ओके लैंस वही यार जोडो का ट्रेनर था। उसका फर्स्ट पोकेमॉन गैराडोस अपने रायचू से इसको डिफीट करते हैं। ये गैराडोस गया। सेकेंड ड्रैगन एयर इसको डिफीट कर सकता है। ओके ऑलमोस्ट यार इसको फेंड कर देते हैं। ये गया। उसके बाद इसके पास थर्ड पोकेमॉन भी यार ड्रैगन एयर ये गया। ओके वेल इसके पास एक ड्रैगन एयर भी है। हम लोग के ड्रैगन एयर को डिफीट कर दिया। अभी हम लोग गैराडोस से ब्लेजर्ड यूज करवाते हैं और ड्रैगन एयर फेंट। अभी एयर आउट डैक्टाइल इसके लिए गैराडोस ही काफ़ी रहेगा। नहीं यार फेंट हो चुका है। अभी आप लोग रायचू निकाल लेते रायचू। ओके वेल इसको डिफीट कर दिया। और हम लोग अपने फोर्थ एलिट फोर को डिफीट कर दिया एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यार चैंपियन से बैटल करते। नो यार ये गैरी चैंपियन नो ये नहीं हो सकता यार। वेल इसका पीजियोटो को हम लोग को डिफीट करना है। रायचू को बाहर बुलाते हैं। ओके इस पर थंडरबोल्ट बच चुका है। फुल रिस्टोर ये क्या हो रहा है यार। ओके हम लोग अभी नहीं यार मिस हो चुका है। ओके पीजियोटो फेंट हो चुका है अभी। और इसका राइडोन के लिए गैराडोस रहेगा। गैराडोस का हाइड्रो पंप नहीं लगा यार। लग जाता सही रहता यार। वेल राइडोन गया। अभी एलाकाजाम के लिए चार्जर को बाहर बुलाते हैं। इसका फ्लेम थ्रोअर ओके बर्न हो चुका है ये सही है। और एलाकाजाम फेंट सही है। ब्लास्टोइस रायचू इसको डिफीट कर पाए तो सही है यार। ओके इसने नहीं डिफीट कर पाया। अभी स्नोरलैक्स को बाहर बुलाते सीख चुका है तो हाइपर बीम यूज़ कर लिए। कोई नहीं हम लोग को सोलर बीम यूज़ करना चाहिए था। वैसे स्नोरलैक्स भी फेंट हो चुका है। अभी ड्रैगनेट से हम लोग ड्रैगनग्लो यूज कराते हैं। ब्लास्टोइस फेंट सही है यार। अभी आर्कनाइन के लिए हम लोग गैराडोस को बाहर बुलाते हैं। गैराडोस का सर्फ लग जाए तो ओके काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। और आर्कनाइन फेंट हो चुका है। अभी इसका लास्ट पोकेमॉन एग्जीक्यूटर हम लोग का चार्जार्ड इसको डिफीट कर देगा एंड वन शॉट किल। हम लोग ने गैरी को डिफीट कर दिया और हम लोग बन चुके हैं अगला चैंपियन इंडिगो प्लेटू का।
और प्रोफेसर ओक यहाँ पर आ जाता है एंड हम लोग को यहाँ पर हॉल ऑफ फेम में जगह मिलने वाला है भाई, काफ़ी मजा आने वाला है भाई। हम लोग अपने अगला चैंपियन बन चुके हैं एंड हम लोग का यहाँ पर हॉल ऑफ फेम में नाम आ जाता है एंड हम लोग का टोटल 6 पोकेमोन यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है, चार्जर्ड, गैरोडोस, स्ट्रैच्यू, नीडोकिंग, ड्रेनेट एंड स्नोरलैक्स। और या हम लोग इस गेम को यार यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार इस गेम को कंप्लीट करने में। सही यार, इस गेम को हम लोग कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम लोग को यार आगे जाना पड़ेगा एंड अभी हम लोग को इसमें लेजेंडरी पोकेमोन कैच करना पड़ेगा, तो वो हमें यार आगे जाने दूंगा। वैसे इस गेम का यार मेन यार यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर तुम लोग को देख भी सकते हो यार यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस इसी तरह के इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो को देखने के लिए यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ यार अभी अपने नेक्स्ट चैलेंज के अंदर। तब तक के लिए यार बाय बाय गाइस।